हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे इग्नू में किस कार्य के लिए किससे मिलना होगा आपको, होम टू कॉन्टेक्ट फॉर बार। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखिए, आजकल चूंकि एडमिशन की जो प्रक्रिया है ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो रखी है, तो इसमें आइडेंटिटी कार्ड, फी रिसीप्ट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप फॉर्म, चेंज ऑफ नेम, करेक्शन ऑफ नेम, इन सब एक्टिविटी के लिए आपको रीजनल सेंटर पर संपर्क करना होगा। आइडेंटिटी कार्ड की जहाँ तक बात है, आप ऑनलाइन अगर एडमिशन अगर आपने ले रखा है तो आप अपना जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट कर रखा है उसके माध्यम से आप आइडेंटिटी कार्ड खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो के माध्यम से बताया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल फी रिसिप्ट का है, तो फी रिसिप्ट जैसे ही पेमेंट होता है ऑटोमेटिक उसका मैसेज आ जाता है और कन्फर्मेशन आ जाता है, तो वो फी रिसिप्ट के लिए पूरी तरह से वैलिड है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, जब कभी आपको इस बात की ज़रूरत हो कि एक सर्टिफिकेट दिया जाए कि आप इग्नू में पढ़ाई कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं, तो वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है। उसके लिए आप संबंधित रीजनल सेंटर में संपर्क कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन देना होता है, उस बेस पे आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप इग्नू से कोई कोर्स कम्प्लीट करके किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो उस स्थिति में इग्नू से आपको माइग्रेशन लेना होगा। स्कॉलरशिप फॉर्म, आजकल स्कॉलरशिप जो स्कीम्स हैं ये पूरी तरह से ऑनलाइन हो रखी हैं, इनकी डिटेल्स आपको पेपर्स में आती है, न्यूज़पेपर्स में भी आती है, और रीजनल सेंटर में भी संपर्क करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। चेंज ऑफ नेम या करेक्शन है नेम में, एड्रेस में, इसके लिए आपको रीजनल सेंटर में संपर्क करना होगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया। फिर दूसरी चीज़ है कि नॉन रिसिप्ट ऑफ स्टडी मटेरियल एंड असाइनमेंट। देखिए, पहले जुलाई 2017 तक तो रीजनल सेंटर इन चीज़ों को देखता था, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें फेरबदल हुआ है। अब जो किताबें हैं वो डायरेक्टली एमपीडीडी न्यू दिल्ली, जो इग्नू का नई दिल्ली में मुख्यालय है, वहाँ पर एमपीडीडी एक यूनिट है, मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन को बोलते हैं, तो वहाँ से अब किताबें बच्चों के घर के पते पर डायरेक्टली भेजी जाती हैं और असाइनमेंट भी किताबों के साथ ही भेजे जाते हैं। तो अगर आपको नहीं मिला है तो आपको वहाँ पे अप्रोच करना चाहिए। इग्नू की साइट पे आप उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी प्राप्त कर सकते हैं। इन केस आप वहाँ संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आप रीजनल सेंटर में भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। चलिए, चेंज ऑफ इलेक्टिव मीडियम और ऑप्टिंग ऑफ लेफ्ट ओवर इलेक्टिव, डिलीशन ऑफ एक्सेस्ट क्रेडिट। तो इनके लिए जैसे कि आपको पता ही होगा कि इग्नू के जो प्रोग्राम में आप कोर्स ऑप्ट करते हैं उसमें कुछ कंपलसरी होते हैं, कुछ इलेक्टिव होते हैं। तो अगर आप उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, आपको कोई पेपर नहीं निकल पा रहा है, आपने गलती से कोई कोर्स ले लिया, उसके बदले कोई दूसरा कोर्स लेना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए, या फिर मीडियम चेंज करना चाहते हैं, पहले आपने हिंदी मीडियम ऑप्ट कर रखा था, अब आपको इंग्लिश में पढ़ाई करनी है, या मान लीजिए आपने कुछ क्रेडिट्स ज़्यादा ले रखे हैं, कोर्स आपका कम क्रेडिट का है तो उसको आप हटाना चाहते हैं, तो इस टाइप की चीज़ों के लिए आपको रीजनल सेंटर में ही संपर्क करना होगा। रीएडमिशन एंड क्रेडिट ट्रांसफ़र। रीएडमिशन क्या होता है, क्रेडिट ट्रांसफ़र क्या होता है? देखिए, रीएडमिशन का मतलब है, देखिए हर एक प्रोग्राम का एक मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है, उस मैक्सिमम ड्यूरेशन को पूरा करने के उपरांत आपको जो आपके बचे हुए कोर्सेस हैं उनको पूरा करने के लिए रीएडमिशन कराना होता है। देखिए, एक रीएडमिशन शब्द आपको सुनने को मिलेगा और एक री रजिस्ट्रेशन सुनने को मिलेगा, दोनों में बहुत फर्क है। री रजिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रोग्राम के अगले वर्ष में प्रवेश। जैसे कोई विद्यार्थी बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है, बीए में जब एडमिशन लेगा तो वो उसका फर्स्ट ईयर होगा, अब सेकंड ईयर में उसको एडमिशन लेना है तो वो री रजिस्ट्रेशन कराएगा। ठीक है, री एडमिशन कब कराएगा? बीए प्रोग्राम का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है 6 ईयर है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 ईयर पूरा होने के उपरांत भी अगर उसका कोई पेपर बचा रह गया, वो पास नहीं कर पाया, तो उस केस में उसको रीएडमिशन का फॉर्म भरना होगा। और जब वो रीएडमिशन कराता है तो उसको एडिशनल 2 ईयर्स और मिल जाते हैं कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक इसी तरह से एक शब्द है क्रेडिट ट्रांसफ़र। क्रेडिट ट्रांसफ़र से क्या मतलब है? देखिए, जब रीएडमिशन के लिए आपको 2 साल एडिशनल टाइम मिल गया, उस टाइम में भी आप वो कोर्स पूरा नहीं कर पाए, तो उस स्थिति में आपको फिर से नया प्रवेश लेना होगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, नया प्रवेश का मतलब ये नहीं है कि पूरी पढ़ाई फिर से करनी है, केवल उन कोर्सों को दोबारा पढ़ना होगा जो कोर्स आपके कंप्लीट नहीं हो पाए।
बाकी जो कोर्स आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं उनके क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी बचे हुए कोर्स को पूरा करने के लिए आपको नया एडमिशन लेना होता है, क्रेडिट ट्रांसफ़र कराना होता है। कब कराएंगे? जब मैक्सिमम ड्यूरेशन पूरा होने के बाद जो एडिशनल टाइम मिलता है, यानी जो री एडमिशन का पीरियड मिलता है, वो भी पूरा हो गया, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब आपको फ्रेश एडमिशन लेना होगा। फ्रेश एडमिशन लेने के उपरांत क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना होगा। तो ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं, इनके लिए इग्नू की वेबसाइट में ऑलरेडी डिटेल है, फॉर्म उपलब्ध है, और वो फॉर्म आप डाउनलोड करके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन, जिसे SRD के नाम से भी जाना जाता है, वहां आपको भेजना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज ऑफ ऑडियो वीडियो टेप्स। देखिए, इग्नू में जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं सबके ऑडियो वीडियो टेप्स कैसेट्स उपलब्ध हैं। अगर आप उनको प्राप्त करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो EMPC यूनिट, मार्केटिंग यूनिट बना हुआ है EMPC में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर है इग्नू के अंदर, वहाँ आप संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स हैं उनको आप सुनना चाहते हैं, तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो ज्ञान कोश में इग्नू ने डाल रखे हैं, उसके लिए आपको यूट्यूब पे जाना है, ज्ञान कोश इग्नू लिखना है, और उसके बाद आप जिस प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं सर्च कर लीजिए, बहुत सारे वीडियो निःशुल्क उपलब्ध हैं। चलिए, एकेडमिक कोई इशू है आपके प्रोग्राम से संबंधित, तो उस स्थिति में जो जिस स्कूल में आपका प्रोग्राम आता है उस स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, कंसर्न डायरेक्टर हैं, उनसे आपको संपर्क करना होगा, मेल भेजना होगा। अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट एंड सिनॉप्सिस। इसमें देखिए, अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग रूल्स हैं, इसलिए इस पर हम अन्य वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस एंड स्टूडेंट ग्रीवेंसेस, प्री एडमिशन इंक्वायरी ऑफ वेरियस कोर्सेस इन इग्नू। देखिए, इसमें से बहुत सारी चीज़ें अगर सेंट्रलाइज हो रखी हैं, उस आप चाहें तो सीधे दिल्ली में बात कर सकते हैं, डायरेक्टर स्टूडेंट सर्विस सेंटर SSC में, नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, और आप डायरेक्टली रीजनल सेंटर पे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर रीजनल सेंटर पे समस्या का कोई समाधान आपके नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में आप जो SSC है, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस है नई दिल्ली में, आप वहाँ मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो हमारे देश के बाहर के विद्यार्थी हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, उनके लिए अलग से इंटरनेशनल डिवीज़न बना हुआ है, उनसे संबंधित जो भी क्वेरी है वो डायरेक्टली डायरेक्टर इंटरनेशनल डिवीज़न में संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इशू ऑफ डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिस्पैच ऑफ रिटर्न डिग्री, वेरिफिकेशन ऑफ डिग्री, कन्वोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी डिग्री इशू में कोई दिक्कत हो रही है, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, डिग्री आपको नहीं मिली, या मार्कशीट नहीं मिली, या डिग्री आपके घर पे गई और वहाँ से रिटर्न हो गई, या आप कहीं जॉब पे गए वहाँ पे आपकी डिग्री का वेरिफिकेशन होना है वो नहीं हो पा रहा है, तो इन सब स्थितियों में आपको जो यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उसको देख पा रहे होंगे, इस आईडी पे संपर्क करना होगा, मेल भेजना होगा, और ये नंबर भी दिया हुआ है, इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से एग्ज़ाम से संबंधित जो इशूज़ हैं, एग्ज़ाम के लिए हालांकि अब जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो अलग से टेलीफोन नंबर्स, ईमेल आईडीज दिए हुए हैं, इसलिए इस संबंध में मैं बात नहीं करूँगा, ये पुराने नंबर्स हैं, ये आज की डेट में हो सकता है इफेक्टिव ना हो, और ईमेल आईडीज भी चेंज हो रखी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मास्टर प्रोग्राम्स, बैचलर्स डिग्री लेवल प्रोग्राम, इशू ऑफ ग्रेड कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। देखिए, इसमें तीन पार्टों में ये सेम चीज़ दी हुई है। इसमें ऐसा है कि जो मास्टर और बैचलर प्रोग्राम से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपकी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, या आपका ग्रेड कार्ड इशू नहीं हुआ, या जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो आपको नहीं मिला, या प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके प्रोग्राम पर प्रैक्टिकल के मार्क्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में ये तीन ईमेल आईडीज दी हुई हैं, आप इन ईमेल आईडीज पे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से एक नीचे आप देख पा रहे होंगे, सेम यही क्वेरीज हैं बैचलर और डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए। ऊपर जो था वो मास्टर एंड बैचलर डिग्री लेवल प्रोग्राम्स के लिए था, और जो नीचे दिया हुआ है ये मास्टर बैचलर एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए है। ये
और लास्ट में ये डीपीयू प्रोग्राम से संबंधित है, तो आप इसको स्क्रीन पे देख लीजिए, तसल्ली से नोट कर लीजिए, ये इफेक्टिव है। आप अगर ऐसी कभी स्थिति बने तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेरिफिकेशन ऑफ जेनुइनेस ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड ग्रेड कार्ड इश्यू ऑफ ट्रांसक्रिप्ट के लिए आपको कहाँ पे संपर्क करना है, स्क्रीन पे एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। UFM केस जो होते हैं, परीक्षा में जो लोग नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, अनफेयर मीन्स के जो केसेस होते हैं, उनके लिए ये ईमेल आईडीज़ है, ये टेलीफोन नंबर्स हैं, यहाँ पे उनको संपर्क करना होता है। और स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके जो सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट हैं वो दिल्ली भेजना होता है, नई दिल्ली भेजना होता है, और आप अपने प्रोजेक्ट का स्टेटस जानना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स के मार्क्स नहीं चढ़े हैं, आपने प्रोजेक्ट सबमिट कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में एक ये ईमेल आईडी है projects@igno.ac.in, इस पे आप मेल करके स्टेटस पता कर सकते हैं, ये टेलीफोन नंबर्स भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेरीज रिलेटेड टू असाइनमेंट मार्क्स, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अध्ययन केंद्र पे अपने असाइनमेंट जमा कर देते हैं, वो असाइनमेंट इवेल्युएट हुए कि नहीं उन्हें विद्यार्थी को नहीं पता होता, जाहिर सी बात है विद्यार्थी पता करने तो जाएगा नहीं, वो उम्मीद करता है कि वो नंबर्स उसके ग्रेड कार्ड पे रिफ्लेक्ट होने लगे, पर कई बार ऐसा होता है कि जो असाइनमेंट विद्यार्थी ने जमा किया उसमें इनरोलमेंट नंबर ही गलत हो गया, या मोबाइल नंबर लिख दिया विद्यार्थी ने और वो नंबर्स जो हैं क्षेत्र केंद्र तक नहीं पहुंच पाते, तो ऐसी स्थिति में वो नंबर मार्कशीट पे या ग्रेड कार्ड पे रिफ्लेक्ट नहीं होते, तो ऐसे सिचुएशन में आपको संपर्क करना होगा assignment@igno.ac.in, ये ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं अगर आपने असाइनमेंट जमा कर रखा है और आपके पास उसकी रिसीप्ट है। इसके पहले आप क्षेत्रीय केंद्र पे भी संपर्क कर सकते हैं, रीजनल सेंटर पर भी कर सकते हैं, वहाँ से आपकी समस्या का समाधान नहीं होता उस केस में आप ये ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट जनरल इंक्वायरी एंड ग्रीवेंसेस इशू ऑफ डुप्लीकेट मार्कशीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मार्कशीट मिस हो जाती है, आपको मिली कहीं खो गई और ऐसी स्थिति में आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहते हैं, तो इसके लिए acd@igno.ac.in है। इसका प्रोसीजर ये है कि इसके लिए आपको इग्नू की साइट पे सर्च बॉक्स पे जाइए, होम पेज पे, वहाँ पे आप लिखिए इशू ऑफ डुप्लीकेट मार्कशीट, उसका एक फॉर्मेट मिलेगा, उस फॉर्मेट को आप डाउनलोड कीजिए, उसमें एक निर्धारित फीस लिखी हुई है, उसका डीडी बना के आपको दिल्ली भेजना होता है, और उसमें कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आप देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है, आप इसको करा सकते हैं अगर कभी ऐसी स्थिति बने तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके ग्रेड कार्ड में कोई डिस्क्रिपेंसी आ गई, नॉन अपडेशन ऑफ मार्क्स का है, कुछ मार्क्स चढ़े हैं कुछ नहीं चढ़े हैं, और लेकिन आपने अपने लेवल पर एक्टिविटी पूरी कर रखी है, तो ऐसी स्थिति में आप क्षेत्र केंद्र में संपर्क कर सकते हैं या इग्नू मैदान घड़ी में, ये ईमेल आईडी दिया हुआ है, यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। हमने प्रयास किया कि जो सामान्य प्रॉब्लम्स बच्चों को होती है उसके लिए वो परेशान ना हो, हमने ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर्स वगैरह आपको उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई क्वेरी है, तो आप निश्चित रूप से हमें मैसेज कर सकते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने का। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं। हम प्रयास करते हैं इग्नू के बारे में जानकारी देने का, लेटेस्ट अपडेट देने का, और साथ ही साथ जो भी वैकेंसी आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उन सबको भी लाने का प्रयास करते हैं। समसामयिक घटनाक्रम, जनरल नॉलेज के वीडियो भी हम बीच बीच में देते रहते हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ भी देते रहते हैं, तो एक ये हमारा प्रयास है उन सब विद्यार्थियों के लिए जो अध्ययन में लगे हुए हैं और अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।